सीबीआई जांच में निश्चित ही सरकार सीबीआई जांच के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में बेरोजगारी का हाल ये हो चुका है कि अब सरकार और सरकार चला रही पार्टी भाजपा के प्रवक्ता जहां जहां जाते हैं उनसे एक ही सवाल किया जाता है कि आपने पिछले 6 वर्षों में कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। फिर जब इन सवालों का जवाब आता है तो वो सब गोलमोल सा नजर आता है, क्योंकि ये प्रवक्ता सही आंकड़े जनता के सामने रख ही नहीं पाते हैं। और ऐसा ही कुछ कोटद्वार में भी देखने को मिला है। यहाँ जब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी से नौकरियों को लेकर सवाल किए गए और पूछा गया कि उनकी पार्टी की सरकार ने कितना रोजगार दिया, तो प्रवक्ता महोदय ने क्या जवाब दिया वो आप सुनिए। देखिए, जो नियुक्तियां जो हमारे सबसे पहले जो विभागों के अंदर पद रिक्त पड़े थे लंबे समय से, उन रिक्त पदों पर हमने नियुक्तियां की हैं। लेकिन 24,000 पद थे, उन पदों पर धीरे धीरे विभाग के अंदर जो रिक्त पदों की नियुक्तियां थी उन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, और उन पर जहां जहां पर भी पद खाली थे उन पदों को भरा जाएगा। उस पर जो रिक्त पद थे जो राज्य सरकार के अनुपेक्ष में, और जो भी पद हैं, जो नियुक्ति भर्तियां अभी पुलिस में भर्तियां होने जा रही हैं, 2000 पुलिस में भर्तियों के लिए नियुक्तियां हैं, उन भर्तियों को हम लोग करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी निगमों कॉरपोरेशनों में राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी भर्तियों की जो विज्ञप्तियाँ अभी जारी होने वाली हैं उन सब पर हम जो है कि नियुक्तियाँ कार्य चल रहा है, उसका रोड मैप और ब्लूप्रिंट बन रहा है। निश्चित ही कुछ ही समय बाद हम आपके सामने पूरे आंकड़ों के साथ बताएंगे कि कितनी नियुक्तियाँ हमारे पास में खुलने वाली हैं। तो सुना आपने, सवाल आंकड़ों को लेकर पूछा गया था और जवाब क्या मिला। अब ये तो वही बात हो गई कि जनता को आम खिलाए नहीं जाएंगे, सिर्फ दिखाए जाएंगे। लेकिन प्रवक्ता साहब की बात यही नहीं थमती। कोटद्वार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने दावा किया है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि वो सीबीआई जांच तब कराएंगे जब सभी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी। कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुरूप कुछ परीक्षाएं उसमें बाधित ना हो, जिसमें से 8 परीक्षाएं, आपको बताया कि कुल 8 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं पर गड़बड़ी पाई गई और 3 पर भी जांच गतिमान है। उस जांच पर 5 परीक्षाएं पुनः रद्द करके पुनः परीक्षाएं कराई गई। सीबीआई जांच में निश्चित ही सरकार सीबीआई जांच के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अब हम आपको हमारे संवाददाता विकास वर्मा द्वारा पूछे गए एक एक सवाल सुनाते हैं और दिखाते हैं कि इस पर भाजपा प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया है। देखिए, सरकार ने कानून बनाया तो निश्चित ही जागरूकता के लिए, जनजागरण अभियान के लिए सभी लोगों को इससे भलीभांति परिचित होना चाहिए, सब लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा कानून अगर राज्य के अंदर बना है और भविष्य के युवाओं के भविष्य को लेकर ये कानून बनाया गया, तो उसकी जानकारियों को लेकर सभी जगह कार्यकर्ता जा रहे हैं और उससे अवगत करा रहे हैं। 2024 की भी तैयारी चल रही है लगातार, अभी निकाय चुनाव उसकी भी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करती रहती है। संगठन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि सरकार ने अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के जितने भी बड़े अधिकारी, अनुभाग अधिकारी से लेके और पूर्व के जो अध्यक्ष इसमें रहे, डॉक्टर आरबीएस रावत रहे, चाहे परीक्षा नियंत्रक रहे, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और जांच, इसमें जांच कई एंगलों पर जो है कि जांच गतिमान है। इस पर जो भी दोषी होंगे, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी निश्चित ही सरकार की तरफ से। नहीं, निश्चित ही अगर वो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो सारे लोग उस कानून की उसमें आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जिस तरह से भी, जिस एंगल से भी जांच, क्योंकि सारी एंगलों पर जांच, कई एंगलों पर इस पर जांच चल रही है, अगर वो संलिप्त होंगे तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उस कानून के तहत। कानून उस पर भी, उन पर भी ये कानून लागू होगा जो इसमें संलिप्त होंगे, जो इसमें दोषी होंगे। नहीं, कोई डेटा है सरकार के पास कि 6 सालों में कितने लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया, कोई डेटा है सरकार के पास? देखिए, जो नियुक्तियां जो हमारे सबसे पहले जो विभागों के अंदर पद रिक्त पड़े थे लंबे समय से, उन रिक्त पदों पर हमने नियुक्तियां की हैं। लेकिन 24,000 पद थे, उन पदों पर धीरे धीरे विभाग के अंदर जो रिक्त पदों की नियुक्तियां थी उन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, और उन पर जहां जहां पर भी पद खाली थे उन पदों को भरा जाएगा। उस पर जो रिक्त पद थे जो राज्य सरकार के अनुपेक्ष में, और जो भी पद हैं, जो नियुक्ति भर्तियां अभी पुलिस में भर्तियां होने जा रही हैं, 2000 पुलिस में भर्तियों के लिए नियुक्तियां हैं, उन भर्तियों को हम लोग करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी निगमों कॉरपोरेशनों में राज्य के अंदर जितनी भी सरकारी भर्तियों की जो विज्ञप्तियाँ अभी जारी होने वाली हैं उन सब पर हम जो है कि नियुक्तियाँ कार्य चल रहा है, उसका रोड मैप और ब्लूप्रिंट बन रहा है। निश्चित ही कुछ ही समय बाद हम आपके सामने पूरे आंकड़ों के साथ बताएंगे कि कितनी नियुक्तियाँ हमारे पास में खुलने वाली हैं।